ये तीन पॉइंट, ये पेन बताएगा आपको शुगर हो गई है, आपको शुगर का डायग्राम बताऊंगा और तीन पॉइंट बताएंगे कि आपको शुगर हो गई है। 60% लोगों को दुनिया में शुगर है, लेकिन घर पे बैठे टेस्ट ये पेन बताएगा। कैसे? मैं तीन पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आप घर में बैठे डायग्नोज कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी घर में बैठे कर सकते हैं। देखिए, ये दो उंगलियां हैं, ये दो उंगलियों में ये कोना है, इस पे आप एक उंगली रखें और ये देखिए जहां ये उंगली का एंड है वहां सेंटर में एक बिंदु है। ले आप बिंदु को ऐसे दबाएंगे, हल्का हल्का दबाएंगे, पेन की चुभन नहीं, आपको कहीं ऐसी चुभन होगी आप भड़क जाएंगे, तो वो समझो कि वो शुगर का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, हाथ यही है, बायां हाथ ही लेना है, हाथ यही है लेकिन थोड़ा उल्टा कर लो। नाखून, नाखून का लास्ट एंड जो है उसके नीचे हल्का सा छोड़ के आप बिंदु को दबा के देखें, ऐसे पहले ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। यदि आपको हल्की पेन की दर्द है तो उसको नहीं लें, यदि आपको ज़्यादा दर्द ऐसे कर जाएं तो समझो यही पॉइंट है शुगर का। और तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, अपना बायां हाथ ही लें और कलाई को ऐसे कर लें, कलाई ऐसे कर ली, अरे एक लाइन सी सबके आएगी। ये देखिए ये चीर सा आया हुआ है, इसका जहाँ एंड है जहाँ ये ख़त्म हो जाती है, यहाँ पेन लगा के देखें, ऐसे दबा के देखें, ऐसे दबा के देखें, और यदि आपको लगे इसमें दर्द हो रही है, अरे ये दर्द हो रही है, तो इसका मतलब है आपको शुगर हो गई है, आपका वेट कम हो रहा है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आप बार बार पेशाब करने जा रहे हैं, रात को भी पेशाब करने उठना बैठ जाता है, आपका वेट कम, कमजोरी आ रही है शरीर में, कभी कभी वेट बढ़ भी जाता है शुगर वालों का। लेकिन इसी से डायग्नोज भी होगा, इसी से ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ। देखो यदि ये जिमी, ऐसी जिमी ले लें जिसका थोड़ा सा हल्का सा कोना ज़्यादा हो, पहले ऐसे करें, पहले पॉइंट पे दबाएं, देखिए इसको ऐसे क्लॉकवाइज खाली पेट भी दबाएं और शाम को भी सुबह भी, डायग्नोज पहले कर लें, अब ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ। ये देखो ऐसे इसको दबाएं, पीछे से भी ले लें, ऐसे भी दबाएं, दो तीन मिनट दबाना है, कहीं एक मिनट दबा के नहीं, दो तीन मिनट तो दबाते रहें और ये आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। अरे ये देखो तीसरा पॉइंट पे आपने ये जिम्मी रख दी, जिम्मी को आपने चलो हाथ नीचे रख लो, जिम्मी को ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहना है। तीसरा पॉइंट डायग्नोस के बाद ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अब ट्रीटमेंट देखिए ये भी एक पॉइंट है ट्रीटमेंट में, इसको दबा के देखें, ये उल्टा दबाएं, घुमाएं, साथियों दो बार जरूर करें। एक विशेष पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके हाथ के अंदर ही है, देखिए ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे ये हथेली का उभरा हुआ भाग है, अपने आप यहाँ दबा के देखो जहाँ आपको दर्द हुई है, ये नोट करना है, जहाँ आपको दर्द हुई है वही आपके शुगर का पॉइंट है, और वहाँ भी आप दोनों हाथ में देख सकते हैं, लेकिन ये पैनक्रियाज का तो दोनों तरफ होती है, एक तरफ टेल होती है, एक तरफ पूछ होती है, एक तरफ मुंह होता है, एक तरफ पूछ होती है। अच्छा ये देखिए दोनों तरफ आप सुबह उठ के पहले हाथ दबा के देखें, फिर आप देखें ये दर्द है तो यहाँ रोज दबा लिया करें, ये भी आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। यदि फिर भी आप, हाँ फिर भी आपकी कंट्रोल नहीं आ रही, तो देखो दो तीन चीज़ें रोज किया करो,
सुबह उठ के नीम की दातन, जाते जाते सैर भी कर रहे, सैर तो जरूर है शुगर वाले के लिए, सैर भी कर रहे हैं, नीम की दातन भी कर रहे। नीम की दातन ऐसा तो नहीं करनी, आप उसके रस को पीते रहे। और दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज है ये मेथी, रात को भिगो के रख दे, सुबह उठ के पानी भी पी लें और उस मेथी को भी खा लें। एक और चीज है, जामुन के मौसम में जामुन खाएं, उसकी गिटके, उसकी गिटके का चूर्ण, करेले के बीज और मेथी के बीज, करेले के बीज और नीम की निबोली, हाँ तीन पत्ते नीम रोज जरूर खाएं। नीम के पत्तों में इतनी एनर्जेटिक होता है, इतनी वायरल को खत्म करने की ताकत होती है, आप सोच नहीं सकते।